हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। हम पॉइंटर्स पर कुछ प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो आज मैं क्या करने वाला हूं कि एक अरे में कुछ नंबर स्टोर होंगी पहले से ही, हम चाहें तो इनपुट ले भी सकते हैं। तो हमारा टास्क क्या है कि जो भी अरे में नंबर्स हैं हम उन नंबर्स को सम करेंगे, लेकिन हम नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि पॉइंटर का यूज करेंगे। और हम फंक्शंस भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जो पॉइंटर का यूज करके उस अरे का सम फाइंड कर लेगा, राइट। और फाइनली जो भी सम आएगा वो सम को हम रिटर्न करेंगे, राइट। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर, ये देन conio.h, राइट। ये दो हेडर फाइल मैं इंक्लूड कर लिया हूँ। तो printf, scanf, getcs एंड clear screen, ये चार प्री डिफाइंड फंक्शन मैं यूज कर सकता हूँ, राइट। फिर जैसा मैंने कहा, मैं एक अरे बनाऊंगा जिसका साइज मैं 5 रख ले रहा हूँ, और इनिशियली हम इसमें कुछ वैल्यू रख लेते हैं, राइट। 5 वैल्यू हमने इसमें रख ली। तो इस तरह से हमारे पास ये इनपुट अरे में है। फिर उसके बाद मैं लगाता हूँ क्लियर स्क्रीन, और जो भी मैं फंक्शन अब यहाँ पर डिफाइन करूँगा उस फंक्शन को हमें करना पड़ेगा कॉल। तो उस फंक्शन को मान लीजिए, उस फंक्शन का नाम मैं सम रखूँगा, राइट। तो मैं सम फंक्शन को कॉल करूँगा और उसमें अरे का सिर्फ नाम पास करूँगा। अरे का सिर्फ नाम पास करना मतलब अरे का बेस एड्रेस पास करने के बराबर होता है, राइट। फिर मैं लगाता हूं गेट सी एच। फिर इस फंक्शन को डिफाइन करने की बात आती है, तो अभी मैं फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं लिख रहा हूं, मैं फंक्शन का नाम लिख रहा हूं सम। अभी हम बात करते हैं कि यह फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, राइट। अब देखिए, इस फंक्शन में जो हमने पास किया है वो एड्रेस पास किया है, राइट। और एड्रेस किस टाइप का है, इंट टाइप का। तो इसलिए उस एड्रेस को रिसीव करने के लिए हमें एक इंट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो उसमें एड्रेस हम स्टोर कर सकें। तो जो हमने इस अरे का बेस एड्रेस पास किया है यहाँ से, वो अब क्या है, पी में है। और हमें पता है, अपने पीछे के वीडियोज में देख चुके हैं कि अगर हमें किसी भी अरे का बेस एड्रेस पता है तो हम उस अरे को एक्सेस कर सकते हैं। उस अरे में जितने ही ब्लॉक होंगे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो अरे होता है वो उसके जो ब्लॉक्स होते हैं उनको कंटिन्यूअस माइनर में मेमोरी मिलती है, एक के बाद एक। तो इसलिए अगर हमें अरे का बेस एड्रेस पता है तो हम उस अरे को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, हम बेस एड्रेस में 1 ऐड करेंगे तो हमें अगले ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा। इसी तरह से जब हम अगले ब्लॉक के एड्रेस में 1 ऐड करेंगे तो अगले ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा। तो इस तरह से हम उस अरे को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, बार बार हमें 1 1 ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें लूपिंग करनी पड़ेगी। और सम को स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ, राइट। तो लूपिंग के लिए हमने आई बना लिया है, और सम को स्टोर करने के लिए हमने एस नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसको शुरू में मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा। अगर मैं 0 से इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूं तो एस में पहले से कुछ गार्बेज वैल्यू होगी, तो हमारा आंसर गलत आ सकता है, राइट। फिर देखिए, मैं यहां पर फॉर लूप लगा रहा हूं, i=0 to i> i> = 4। 4 तक क्यों, क्योंकि अरे का साइज 5 है। देन i++, देन मैंने ब्रेकेट लगाया ये, और फिर हमें फाइनली क्या करना है, s=s+। अब हमें क्या करना है कि p में क्या है, बेस एड्रेस है। तो अगर हम p की डी रेफरेंसिंग कर दें ऐसे, तो ये क्या हो गया, पहले ब्लॉक की वैल्यू, और पहले ब्लॉक की वैल्यू और s में क्या है, 0। इन दोनों का सम होकर कहाँ हो जाएगा, s में हो जाएगा। लेकिन दूसरी बार यहाँ पर क्या होना चाहिए, दूसरी बार यहाँ पर सेकेंड ब्लॉक की वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें पता है कि अगर हम बेस एड्रेस में 1 ऐड करें, क्या ऐड करें, 1 ऐड करें, और दूसरी बार में i की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी।
तो हम अगर यहाँ पर p में i ऐड कर दें तो ये हो जाएगा टोटल इतना पार्ट दूसरे ब्लॉक का एड्रेस, और अगर इस दूसरे ब्लॉक के एड्रेस की मैं डी रेफरेंसिंग कर दूं इस तरह से स्टार सिंबल लगा के, तो ये दूसरे ब्लॉक की वैल्यू। और सम में अभी क्या था, एस में क्या था, अभी एस में अभी था पहले ब्लॉक का सम, तो यहाँ पर होगा पहले ब्लॉक का सम प्लस दूसरे ब्लॉक का सम। अब वो फिर से जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, एस में। इसी तरह जब आई की वैल्यू टू होगी और यहाँ बेस एड्रेस में टू जुड़ेगा तो तीसरे ब्लॉक का एड्रेस हो जाएगा, और तीसरे ब्लॉक के एड्रेस की जब यहाँ पर डी रेफरेंसिंग होगी तो वो तीसरे ब्लॉक की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से फिर से एस में तीसरे ब्लॉक की वैल्यू ऐड हो जाएगी और फिर से वो एस में जाके स्टोर हो जाएगा, राइट। और फिर जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर थ्री होगी तो पी प्लस थ्री, मतलब हम बेस एड्रेस में थ्री जोड़ रहे हैं, थ्री ऐड कर रहे हैं, तो ये फोर्थ ब्लॉक का एड्रेस बन जाएगा। और जैसे ये फोर्थ ब्लॉक का एड्रेस बन गया और इसकी हम फिर से डी रेफरेंसिंग कर देंगे तो ये फोर्थ ब्लॉक की वैल्यू हो जाएगी, जो फिर से एस से प्लस होके एस में ही स्टोर हो जाएगी। इसी तरह जब आई की वैल्यू फोर होगी तो उसको आप कर सकते हैं, राइट। तो आप ये चीज सीखिए कि जब भी हम अरे के जो बेस एड्रेस होता है उसमें अगर हम वन इंक्रीमेंट करते हैं तो अगले ब्लॉक का एड्रेस मिल जाता है, मतलब सेकेंड ब्लॉक का एड्रेस मिल जाता है, और अगर हम बेस एड्रेस में टू ऐड करते हैं तो वो थर्ड ब्लॉक का एड्रेस मिलता है, राइट। सिमिलरली अगर हम बेस एड्रेस में थ्री ऐड करें तो फोर्थ ब्लॉक का एड्रेस मिलता है, और उसी का हम फायदा उठा के उसकी डी रेफरेंसिंग करते जाएंगे और हमें वैल्यू मिलती जाएगी। फाइनली अब एस में हमारा आंसर है, एस में हमारा आंसर है तो हमें एस को रिटर्न करना है। तो हम यहाँ एस नाम का जो वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा उसमें हमारा सम होगा, तो या तो हम एस की वैल्यू डायरेक्ट रिटर्न कर दें या हम एस का एड्रेस भी रिटर्न कर सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पॉइंटर से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं। देखिए हमने एस का एड्रेस रिटर्न कर दिया, तो जो ब्लॉक एस क्रिएट हुआ होगा उसका हमने एड्रेस रिटर्न किया है, और जो एस ब्लॉक क्रिएट किया है वो है किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा इंट स्टार, राइट। क्यों, अगर हम इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करते हैं तो सिर्फ यहां पर इंट डेटा टाइप मेंशन करते हैं, लेकिन जब हम किसी इंटीजर टाइप के ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करते हैं तो हमें स्टार सिंबल लगाना पड़ता है, जो कि यहां पर बताता है कि हम इंट टाइप की वैल्यू नहीं बल्कि इंट टाइप के किसी ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो फिर हमें पता है कि जहां से जो फंक्शन कॉल होते हैं वहीं पर वैल्यू रिटर्न होके जाती है। तो अब यहां पर हमें जो हमने एड्रेस रिटर्न किया है तो हमें उस एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर की जरूरत है, तो हमने यहां पी नाम का पॉइंटर बना लिया। तो यहां पर जो एड्रेस रिटर्न होके आएगा उसे हम यहां पी में स्टोर कर सकते हैं। और अब पी में क्या है, पी में है एस का जो एड्रेस है वो पी में है। तो अगर हमें फाइनली अगर सम प्रिंट कराना हो तो हम लिखेंगे परफेंट डी कामा, और फिर से पी में क्या है, एस का एड्रेस है, तो अगर हम फिर से पी की डी रेफरेंसिंग कर दें तो एस की वैल्यू होगी, तो जो यहां पर प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, इस प्रोग्राम को एक दो बार देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर इस प्रोग्राम के अगर हम आउटपुट की बात करें, अब तो क्या होना चाहिए, सम इक्वल टू 15 आ जाना चाहिए, राइट। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से आप पॉइंटर में वैल्यू पास करिए, इधर उधर अपना काम करिए इसी में, तो आपको समझ में आ जाएगा। और सिर्फ आपको इतना बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब हम किसी भी पॉइंटर की डी रेफरेंसिंग कर देते हैं तो वो उस ब्लॉक के बराबर हो जाता है, या उस ब्लॉक का जो नाम होता है वो सेम हो जाता है। पॉइंटर की डी रेफरेंसिंग करना या उस ब्लॉक का जो नाम है वो लिखना, दोनों सेम होता है, राइट। तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू।